तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फाइलम कॉर्डेटा। हमने बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिबेटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिबेटा। वर्टिबेटा का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रा होती है। ये वर्टिब्रा आगे चलकर बैकबोन बनाती है। सब फाइलम वर्टिबेटा को ही क्रेनिएटा कहते हैं। क्रेनिएटा इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्रेन बॉक्स होता है, इनके अंदर क्रेनियम होता है, आई मीन टू से ब्रेन बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्रेन पाया जाता है। इसी इन्हीं एनिमल्स को कहते हैं यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो हेड, नेक, थॉरेक्स, टेल में डिवाइड होती है। उसके बाद सब फाइलम वर्टिबेटा या क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा के दो डिवीजन है। पहला डिवीजन है गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जॉ लेस वर्टिबेट्स, अर्थात ऐसे वर्टिबेटा एनिमल जिनके अंदर जॉ नहीं होते, जबड़े नहीं होते। दूसरा डिवीजन है गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा ऐसे वर्टिबेट्स को कहा जाता है जिनके अंदर वेल डेवलप जॉज, जबड़े होते हैं। उसके बाद बात करें हम इसकी पहले की डिटेल हम पढ़ेंगे डिवीजन एग्नेथा की। डिवीजन एग्नेथा के बारे में हम पढ़ेंगे। बात करते हैं डिवीजन एग्नेथा की। एग्नेथा डिवीजन की दो क्लास है, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई। क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसके जितने भी एनिमल हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है वे एनिमल जिनका माउथ साइक्लिक होता है। साइक्लिक का मतलब होता है गोलाकार होता है, एज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए इन एनिमल्स को साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है क्योंकि इनका जो माउथ होता है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर गोलाकार होता है, क्योंकि इनमें जबड़े तो होते नहीं है। उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स के एक कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो ये है कि इनका जो क्रेनियम होता है, आई मीन टू से ब्रेन बॉक्स होता है, और इनकी जो वर्टिब्रा होती है वो दोनों ही कॉर्टिलेजिनस स्केलेटन की बनी होती है, कॉर्टिलेजिनस सबस्टान की बनी होती है। और कॉर्टिलेजिनस सबस्टान क्या होता है, देखिए कॉर्टिलेजन सबस्टान कॉर्टिलेज प्रोटीन का बना होता है, समझ के। उसके बाद इनके अंदर जो ब्लड होता है, इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। भाई अपने अंदर तो दोनों होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, तो इनके अंदर जो साइक्लोस्टोमेटा एनिमल है इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो केवल क्लोज टाइप होता है। उसके बाद एग्नेथा कंप्लीट हुआ, उसके बाद डिवीजन गिनेथोस्टोमेटा। डिवीजन गिनेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लास है, पहली सुपर क्लास है पीसीज, दूसरी सुपर क्लास है टेट्रोपोडा। पीसीज सुपर क्लास पीसीज की तीन क्लासें हैं। फर्स्ट क्लास है प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई के एनिमल्स सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल्स बन चुके हैं। उसके बाद दूसरी क्लास है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज जो एनिमल्स होते हैं, जो फिश होती हैं, वो उनका जो स्केलेटन होता है वो कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इन फिश को बोला जाता है कॉन्ड्रिक्थीज फिश। इनका एग्जाम्पल क्या है, एक मिनट और मैं आपको बता देता हूं। देखो कॉन्ड्रिक्थीज फिश का जो स्केलेटन होता है वो बना होता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन का, और ये ध्यान रखना कॉन्ड्रीन प्रोटीन हमारे अंदर भी पाई जाती है। जैसे एक कान के अंदर, इसके अंदर बोन नहीं होती बल्कि इसके अंदर कॉर्टिलेजिनस अर्थात कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना हुआ स्केलेटन होता है। नाक के अंदर, नोजल पाइप के अंदर और
इसके ईयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रिक थीज के एग्जांपल है स्कॉलियोडॉन, टॉर्पीडो। स्कॉलियोडॉन का मतलब होता है डॉग फिश, कुत्ता मछली। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक फिश, ये फिश करंट देती है। उसके बाद हैमर हेड शार्क, हैमर हेड शार्क को हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा मछली, और ये वीवी पैरस होती है, बच्चे देती है, अंडे नहीं देती। ये जो शार्क है ये स्पेशल मैरिन होती है और ये पूरे के पूरे इंसान को भी खा सकती है। उसके बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास आती है ऑस्टिक थीज। ऑस्टिक थीज वे फिश होती हैं जिनका स्केलेटन ओसीन प्रोटीन का बना होता है, आई मीन टू से हड्डियों का बना होता है, या कह सकते हैं कि बोन का बना होता है, इसीलिए इनको बोनी फिश कहते हैं। देखिए हमने लिख भी रखा है ऑस्टिक थीज का मतलब होता है बोनी फिश। उसके बाद इनका एक कैरेक्टर मेन क्या होता है, इनका मेन कैरेक्टर यह है कि इनके जो गिल स्लिट होते हैं, इनके जो गिल्स होते हैं वो गिल्स ऑपरकुलम के द्वारा कवर रहते हैं, जबकि कॉन्ड्रिक थीज फिश के अंदर ऐसा नहीं होता। इनके गिल्स ओपन होते हैं, किसी ऑपरकुलम द्वारा, किसी भी लेयर के द्वारा ढके नहीं होते, जबकि इनके जो गिल्स होते हैं वो ढके हुए होते हैं। देखिए मैं एक बार डायग्राम आपको मेंशन करके बता देता हूं गिल्स और ऑपरकुलम क्या होता है। जैसे ये कोई फिश है बच्चों, तो फिश के अंदर यहां पर कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, यहां होती है ऑपरकुलम, ये गिल स्लिट को ढके रखती है, और ये कैरेक्टर है ऑस्टिक थीज या बोनी फिश का। इनका एग्जाम्पल है लैबियो रोहू और सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। उसके बाद बात करते हैं डिवीजन गिनेथोस्टोमेटा के दूसरे सुपर क्लास की, टेट्रोपोडा की। टेट्रोपोडा का मतलब होता है टेट्रा, टेट्रा का टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब पैर। इनको बोलते हैं चौपाया जंतु, सुपर क्लास टेट्रोपोडा। चौपाया जंतुओं को चार क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है एम्फीबिया जिसके अंदर फ्रॉग आते हैं, दूसरी क्लास है रेप्टिलिया जिसके अंदर स्नेक और भी बहुत सारे एनिमल आते हैं, तीसरी क्लास है एविड्स जिनके अंदर बर्ड्स वगैरह आते हैं, और चौथी फोर्थ जो क्लास है वो है मेमिल्स, मेमेलिया जिसके अंदर प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स आते हैं, सभी मैमल्स आते हैं, सभी ऐसे एनिमल आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये चार क्लास थी टेट्रापोडा की, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविड और क्लास मैमल्स। एक बात नोट करने की, जनरल नॉलेज की बात है, वो मैं आपको बता देता हूं। कॉर्डेटा का सबसे छोटा, सबसे छोटी जो क्लास है वो है एम्फीबिया, और सबसे जो बड़ा जो क्लास है वो है पीसीज, यानी कि पीसीज या फिश का सबसे बड़ा ग्रुप होता है कॉर्डेटा के अंदर, और सबसे छोटा ग्रुप, सबसे कम मेंबर जो आते हैं वो आते हैं एम्फीबिया के अंदर। बच्चों ये क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया है। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।